अपने बायो का सबसे पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट का जो सबसे पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव में प्रजनन, किसी भी जीव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म मतलब जीव और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, इन मतलब में, यानी जीवों में प्रजनन, जीवों में जनन। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं कि अगर मान लीजिए जीव प्रजनन ना करता, अगर मान लीजिए जीव प्रजनन या जनन ना करता तो क्या आज इस पृथ्वी पे कोई जीवित होगा? अगर सोचा जाए कि जीव प्रजनन ना करे तो क्या इस पृथ्वी पर कोई भी जीव आज रह पाता? क्योंकि क्या है, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो एक समय बाद वो डिस्ट्रॉय होता है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद फिर अगर वो जनन ना करता, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करता तो क्या उसकी जो पीढ़ी थी, क्या उसकी जो जनरेशन थी या फिर उसके जो जीव थे, क्या वो दोबारा हमको दिखाई देते पृथ्वी पे? वो विलुप्त हो जाते, वो खत्म हो जाते और हमको कभी भी दिखाई ना देते। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया की वजह से आज इस पृथ्वी पर हम अपने चारों तरफ इस लिविंग थिंग्स को देख रहे हैं, अन्यथा आज भी इस पृथ्वी पर कोई भी जीव ना होता। यदि कोई जीव ना होता तो पृथ्वी एकदम सुनसान होती। तो हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये क्या है, जैविक प्रक्रिया। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करता है। वही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, वही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी यह एक जैविक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के जरिए कोई भी जीव अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है, वही प्रक्रिया जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इट्स मींस कि अगर कोई भी जीव है वो जब भी जनन करेगा तो अपने ही आकार का एक नया जीव उत्पन्न करेगा, ना कि कोई अन्य आकार का एक नया जीव उत्पन्न करेगा। एग्जांपल के रूप में जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मनुष्य का बच्चा होगा, एक ह्यूमन बींग्स का एक बेबी होगा, वो ह्यूमन बींग्स के तरीके से ही दिखेगा, ना कि वो किसी डॉग या फिर किसी कैट के तरीके से दिखेगा, उसके बच्चे के तरीके से दिखेगा। चाहे एलिफेंट ले लीजिए, चाहे जो भी जीव ले रहे, हम हर जीव में क्या होगा, जो भी उसका बेबी होगा, जो भी उसका एक यंग वंश होगा, वो कैसे दिखेगा, अपने पेरेंट की तरीके से दिखेगा, अपने जनन की तरीके से दिखेगा। यदि मान लीजिए जनन ना होता, अगर मान लीजिए जनन ना होता तो क्या होता, तो हमें ये एक दिक्कत हो जाती कि हमारी जो पीढ़ी है, जो भी हमारा जो भी अस्तित्व है, ये अस्तित्व खत्म हो जाता, हम रहते ना यहाँ, ना यहाँ पे हमको कोई जानने वाला होता, ना कुछ होता। लेकिन जनन की ही वजह है, जनन की ही वजह है जिससे कि जो जीव है ये इस पृथ्वी पर आज भी उपस्थित है, अन्यथा उपस्थित ना होता। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन द फॉर्म इन इंटरन प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि कोई भी ऑफ स्प्रिंग, जब कोई भी बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर एक समय आता है कि वो मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, यानी वो भी जनन करता है और उसके बाद एक नया ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए ऐसा ना होता, यानी अगर एक जीव छोटा ही रहता, यानी वह ग्रो ना करता, वह विकास ना करता, उसमें डेवलपमेंट ना होता, उसमें वृद्धि ना होती, उसमें ग्रो ना होता, तो क्या करता, वो एक समय आता कि वो भी उस छोटे ही अवस्था में अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता, नष्ट कर देता और उसकी जो भी जीन थी, जो भी उसमें लक्षण थे, वो सारे लक्षण उसके साथ साथ उसके जो भी करेक्टर थे वो सब खत्म हो जाते। लेकिन इस रिप्रोडक्शन के जरिए ही वो क्या करता है, एक समय आता है कि वो बॉर्न करता है, यानी जन्म लेता है, उसके बाद फिर वो ग्रो करता है, बढ़ता है और उसके बाद मैच्योर होता है और अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन है। ये एक ऐसी साइकिल है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी साइकिल है जिसके जरिए कोई भी जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततोगत्वा मृत्यु हो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है।
क्या करता है, एक ऐसी प्रक्रिया है इसके जरिए कोई भी जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है और उसके साथ साथ डेथ हो जाता है यानी मर जाता है। रिप्रोडक्शन क्या करता है, किसी भी जात, जो भी जाति है यहाँ पे इस पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं उन जातियों में एक निरंतरता लगाए रखता है और उसके साथ साथ उनकी पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सब कुछ सारे लक्षण प्रदर्शित होते रहते हैं। यदि मान लीजिए रिप्रोडक्शन ना होता तो ये जो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं अलग अलग प्रजातियों में वो सब विलुप्त हो जाते। आज हम ये ना जान पाते कि हाँ किसी जमाने में एक हाथी हुआ करते थे, हम ये सुनते आज कि एक जमाने में एलिफेंट हुआ करते थे, एक जमाना ऐसा था कि जिस समय एक डॉग हुआ करता था, कैट हुआ करता था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं उनको देख रहे हैं। उसका कारण क्या है, रिप्रोडक्शन ही है। यदि रिप्रोडक्शन ना करता तो एक इंसान अगर इस पृथ्वी पर केवल एक इंसान रहता तो कब तक जीवित रहता, उसकी भी एक डेथ लाइफ स्पैन होती है, एक समय आता है वो भी अपने लाइफ स्पैन लाइफ को क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता, खत्म कर देता और उसके बाद फिर मृत को मृत की अवस्था में आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो जैविक हमारा जो जैविक जगत है यानी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है ये क्या है, बहुत बड़ा है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है हमारा ये बहुत ही बड़ा है, इसमें कई तरीके के जीव उपस्थित हैं। इस पृथ्वी पे इस जैविक जगत में बहुत से जीव उपस्थित हैं लेकिन वो सब अपना जनन अपना प्रजनन जो कुछ भी करते हैं कई तरीकों से करते हैं, वो सब अपना जनन अपना प्रजनन कई तरीकों से करते हैं। वो अपना जीव कुछ है जो कि गुणन की तरीके से गुणन करके अपने जीव को उत्पन्न करते हैं तो कुछ है किसी अन्य तरीकों से अपने जीव को उत्पन्न करते हैं। ये उनके ये चीजें जो भी अभी बताई गई ये चीजें उनके आदतों पर उनके हैबिटेट पर की यानी वो जो जीव है उस जीव का हैबिटेट कैसा है उसकी आदत कैसी है उसके साथ साथ उसकी आंतरिक स्थिति कैसी है उसके आंतरिक जो भी गुण हैं वो कैसे हैं और वो जो भी उनको जनन में प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं वो इसके उत्तरदायी होते हैं कि वो प्रजनन कैसे करेंगे किस तरीके से वो प्रजनन करेंगे। इन सब को देखते हुए जो प्रजनन होता है ये दो प्रकार का होता है यानी ये सारी चीजों को देखते हुए जो प्रजनन होता है ये दो तरीकों से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये टू टाइप का होता है, ये कितने टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, दो टाइप के, नंबर एक एसेक्सुअल दूसरा सेक्सुअल। पहला जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है एसेक्सुअल और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेरेंट जो होता है इसमें भाग लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही पेरेंट भाग लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट भाग लेता है और वो उनका जो जेंडर होता है वो चेंज होता है। लाइक अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या किसी जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेगा, अपने जैसे ही जीव ये भी उत्पन्न करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अपने ही जैसे जीव उत्पन्न होंगे लेकिन इसमें जब जनन होगा तो केवल एक पेरेंट एक जनक उपस्थित होगा लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जनन होगा तो इसमें दो पेरेंट उपस्थित होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लीना हो गया, ये जितने भी जीव होते हैं ये सारे जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन यही अगर मेल देखा जाए तो मेल में क्या होता है सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक मेल तथा एक फीमेल की आवश्यकता होती है। लेकिन उन्हीं स्थान पे अगर अमीबा को देखा जाए, उसमें केवल ये अकेले ही क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है आसानी से। इसलिए इस तरीके के ऐसे जीव जिनमें केवल एक जनक भाग जनन में भाग लेता है, उन जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, तथा ऐसे जीवों में जब दो जनक भाग लेते हैं प्रजनन में, ऐसे जीवों को का जो रिप्रोडक्शन होता है उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा पैरामीशियम यूरिना इन सब में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन हो गए या हायर जितने भी हायर कॉर्डेट्स होते हैं और लोअर कॉर्डेट्स होते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कोई ये नहीं कि यूनिसेलुलर जीव नहीं, अगर जीव मल्टीसेलुलर भी है तभी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लाइक आपने स्टारफिश के बारे में पढ़ा होगा या जाना होगा, या न जानते हो तो जान लीजिए कि स्टारफिश एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है आसानी से। यदि मान लीजिए क्या किया जाए, उसके जो आर्म होंगे उन आर्म को अगर हम काट देते हैं, लेकिन अगर एक भी आर्म छूट जाता है तो क्या करता है, अपने जैसे एक नए जीव उत्पन्न कर सकता है। और इस तरीके के जो भी रिप्रोडक्शन कहलाएंगे, जब वो एक अकेला पैरेंट क्या कर रहा है कोई भी जीव